बात करेंगे अलसी के बारे में। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड, ये एक छोटे से बीज होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, और ये इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि अब लोग इसका सप्लीमेंट में भी यूज़ करने लगे हैं। और ये दिल के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, और ये खून का थक्का बनने से रोकता है, यानी कि अगर ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो ये ब्लड को पतला करता है, और इसके साथ ही साथ ये बीपी को भी नियंत्रित करता है। और ये बीपी को नियंत्रित करने के साथ साथ डायबिटीज़ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, और ये गर्म तासीर वाला होता है। गर्म तासीर के होने के कारण ये अगर किसी व्यक्ति को खांसी है या बलगम है या जुखाम है तब बेहद फ़ायदेमंद है। और गर्म तासीर होने से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सेवन कब करना चाहिए। इसका सेवन लगभग लगभग आपको अक्टूबर लास्ट से और फरवरी के बीच करना चाहिए। गर्मियों के समय में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्मियों के समय में इसका सेवन करेंगे, अगर आप इसका मार्च अप्रैल में सेवन करते हैं, तब आपके चेहरे पे या आपकी पूरी बॉडी पे घमौरियाँ निकलने लगती हैं। और अगर आप जून जुलाई में इसका सेवन करेंगे तो नकसीर की समस्या यानी कि नाक से ब्लड निकलने की समस्या हो सकती है। तो इसका आप जब भी सेवन करें तो अक्टूबर से और फरवरी तक ही इसका सेवन करें। ये तो इनको सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 नाम का एक तत्व पाया जाता है, और अभी तक ऐसा माना जाता था कि ओमेगा 3 सिर्फ मछली में ही रहता है। तो अगर आप मछली का सेवन नहीं करते हैं या फिर आप शाकाहारी हैं तो आपको अलसी खाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सबसे अच्छा स्रोत है जिसमें ओमेगा 3 मिलता है। वैसे और भी कई चीज़ों में ओमेगा 3 है, लेकिन वो इतनी अधिक मात्रा में ओमेगा 3 उन चीज़ों में नहीं पाया जाता। और अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी हैं या आपके चेहरे पे बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है, तब भी ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसको किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? ये उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को आँतों की समस्या हो, और आँतों की समस्या के साथ साथ आप जब भी इसका सेवन करें तो आपको बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है, और अगर आप कम मात्रा में पानी का सेवन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आँतों को प्रॉब्लम कर देगा और आपकी आँतें बीमार हो जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों को अपना बीपी नियंत्रण में रहने के लिए जो अपनी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का बीपी हाई है, तो अगर आप इसका सेवन करें तो इसके सेवन से ये बीपी को लो करता है या बीपी को लो करने में मदद करता है। तो अगर आपका बीपी किसी कारण से पहले से ही लो है तब आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो पहले से जो लो बीपी है ये उसको और नीचे ले जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की पाचन क्रिया ठीक नहीं है, यानी कि उनका हाजमा दुरुस्त नहीं है, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं और देर से डाइजेस्ट होते हैं। और देर से डाइजेस्ट होने से इनसे आप एक चीज़ का अंदाज़ा और लगा सकते हैं कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी इसका सेवन करें तो उन्हें फिर भूख कम लगती है और उनका वजन जो है वो नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती। और इन महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, क्योंकि इसके सेवन से कभी कभी गर्भ गिरने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी तासीर गर्म है। और जिन लोगों को किसी वजह से किसी भी कारण से हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्मोन्स उनके इनबैलेंस है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसको कैसे लें? इसको सुबह लें, और आप इसको किस चीज़ के साथ लें? अगर आप इसको दोपहर में ले रहे हैं तो आप इसको दही या मट्ठे के साथ लें तो ये और अधिक फ़ायदेमंद होगा। तो आज हमने बात की अलसी पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।